अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आप देख सकते हैं कि ये लास्ट डे का मेरा वीडियो क्लिप है बारिश जी। तो बस दिन दोबारा से शुरू हो चुका है, रूटीन वही है, कहीं भी आना जाना नहीं है, घर में सब हैं और हम जो है फैमिली टाइम एक तरह से इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है, लेकिन फ़िक्र यह है कि बस हालात जल्दी से। तो फ्राइडे को यूजुअली, वैसे तो हर एक दिन छोड़कर मैं इसको नहला देती हूँ, बट फ्राइडे को मैं लाजमी जन्नत को नहलाती हूँ, नेल इसके कट करती हूँ, मुझे अपने भी करने हैं, लेफ़्ट हैंड के मेरे काफ़ी बड़े हो गए हैं। बेसिकली मेरे साथ होता ये है कि मेरी नेल्स की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, जिससे तो फिर मैं कोशिश ये करती हूँ कि थोड़े से और बड़े हो जाएँ तो मैं कट कर दूँ। और अभी जो है इसको बहुत मुश्किल से, बच्चों को आपको पता पकड़ना पड़ता है इन कामों के लिए, नेल कट करवाने के लिए, पोनिया बनवाने के लिए या कंघा करवाने के लिए, तो इसको भी मैंने बस काबू किया है किसी तरह। ये खेल रही थी तो मैंने कहा सबसे पहले मैं तुम्हारे ये नेल्स कट करूं, उसके बाद फ्राइडे को यहाँ पे गैस नहीं आ रहा होता तो सिलेंडर के ऊपर मैंने इसका पानी रखा है कि वो बॉयल हो जाए तो फिर मैं इसको अच्छे से नहलाकर ख़ुद भी फ्रेश हो जाऊं और फिर हम जो है वो नमाज़ पढ़ें। तो जन्नत साहिबा नहा धोकर अब नमाज़ पढ़ रही हैं और इन्होंने मुझे देखा था तो फिर बस ये फौरन कि मम्मा मैं भी पढ़ूंगी। तो ये छोटी सी जानमाज़ मैंने इसकी अलग रखी हुई है, मेरी जानमाज़ में होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मैं ख़ुद पढ़ती हूँ नमाज़ तो ये मेरे साथ साथ इस तरह से पढ़ लेती है। और छोटी जा नमाज, छोटा सा सजदगा, तस्बीह देखकर ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाती है, इंटरेस्ट बढ़ता है। तो बच्चों को इस तरह से भी आप रागिब कर सकते हैं दीन की तरफ, तो अच्छा रहता है माहौल से, बच्चे बहुत ज़्यादा गेट करते हैं। बस अल्लाह ताला से मेरी भी यही दुआ है कि इस पाक दिन के वसीले से अल्लाह ताला और ये इस वबा को, कोरोना वायरस को और इस जैसी जो भी बीमारियां हैं वो जल्द अज़ जल्द ख़त्म हो जाएं, दूर कर दे। अल्लाह से हम तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं और बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये वबा जल्द अज़ जल्द ख़त्म हो जाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, हमें तुमसे प्यार है। ठीक है, मैं तमाम सलाम पेश कर रही हूँ अपना आज के दिन, अपने तमाम डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ्स को, नर्सेज और वो तमाम लोग जो इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में जो है वो अपनी अपना जो है वो काम अंजाम दे रहे हैं, उन सबको मैं सलाम पेश करती हूँ, सल्यूट करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और वो इसी तरह हमारी खिदमत करते रहें। थैंक यू सो मच। जी तो अभी जो है आपको पता है फ्राइडे है और सारे काम मेरे हो चुके हैं घर के, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी जो है वो मेड वगैरह नहीं आ रही है। और आज आपको पता है कि जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट है कि आपने शाम को 6 बजे जो है वो तमाम डॉक्टर्स को और सल्यूट पेश करना है अपने घर में वाइट झंडे लगा के। तो वाइट झंडे तो हमारे यहाँ नहीं है और ना इस टाइम हमें मिल सकते हैं, बट मैंने ये किया कि मैंने खुद भी वाइट ड्रेस वेयर किया है और मैंने जन्नत इधर आई बेटा, और जन्नत को भी ये मैंने एक ड्रेस लिया हुआ था पहले ही, बट ये काम आज आ रहा है, पहले से मैंने लेकर रखा हुआ था, आप देख सकते हैं। तो अभी जो है वो डिनर लंच की प्रिपरेशन मैं कर चुकी हूँ और सबको दे चुकी हूँ और अब जो है वो हम वेट कर रहे हैं। बाकी ये है कि नमाज़ और दुआएं भी सारी हो चुकी हैं। आप लोग बताएं आप लोग क्या कर रहे हैं अपने घर में, कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं? हम तो बस काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। और बाकी ये है कि अब इंशाल्लाह ताला हालात जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे बहुत अच्छे से, तो फिर हम अपने कामों में लग जाएंगे और बाकी सारे जो रूटीन के काम हैं वो होते रहेंगे। तो देखते रहिए मेरा व्लॉग और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।